चलिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आप जानते हैं कि जब हम हॉट वाटर या हॉट कप ऑफ टी को टेबल पर रख दें तो वह कुछ देर के बाद कूल हो जाता है। अब सपोज एक कप ऑफ टी रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर है T2 और जो सराउंडिंग स्पेस है उसका टेम्परेचर है T1। हमें पता है क्योंकि चाय गर्म है तो हम कह सकते हैं T2 विल बी ग्रेटर देन T1, दैट इज सराउंडिंग के टेम्परेचर से चाय का टेम्परेचर ज्यादा होगा। कुछ देर बाद चाय का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल ही हो जाएगा, दैट इज T2 इज इक्वल टू T1, क्योंकि चाय हीट लूज करेगी तो हीट लूज करके इट विल कम टू अ टेम्परेचर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा। तो थोड़े टाइम के बाद जब T2 इज इक्वल टू T1 हो जाएगा तो सराउंडिंग एंड कप ऑफ टी के बीच में हीट एक्सचेंज बंद हो जाएगा। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि चाय के गर्म होने के कारण जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो T1 ही रहेगा। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि जब भी एक हॉट बॉडी को एक कूल बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो टेम्परेचर चेंज हो जाता था, क्योंकि हमारे सिस्टम के कंपेरिजन में सराउंडिंग बहुत बड़ी है इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। तो बच्चों अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी देर में कूल होके चाय के कप का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। इन सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक कैलोरीमीटर में कुछ हॉट वाटर लेते हैं, थर्मोमीटर से इसका इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। माना कि यह टेम्परेचर T2 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 है। अब वाटर को जेंटली स्टिर करते हैं एंड एक स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं एंड एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद थर्मोमीटर की रीडिंग्स को नोट करते हैं। हम देखते हैं कि T2 की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है। अब डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1 को y एक्सिस एंड डेल्टा टी के कॉरिस्पॉन्डिंग टाइम को x एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें मिलेगा कि इनिशियली कर्व का स्लोप बहुत हाई है एंड टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ स्लोप भी डिक्रीज होता है। इसका मीनिंग है कि रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर डिक्रीज होने पर डिक्रीज होती है। अब यदि किसी बॉडी का मास m एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s हो एंड इसका टेम्परेचर T2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 हो तो इस बॉडी की रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं -dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। नेगेटिव साइन यहां रेट ऑफ कूलिंग को बता रहा है। अब डेल्टा टी को हम T2 - T1 लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने पर -dQ/dt इज इक्वल टू K × T2 - T1 लिख सकते हैं। K यहां पर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जो कि बॉडी के सरफेस एरिया एंड नेचर पर डिपेंड करता है। इसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं एंड दिस लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर स्मॉल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब यदि dt टाइम में बॉडी का टेम्परेचर स्मॉल अमाउंट dt2 से डिक्रीज होता हो तो लॉस ऑफ हीट dq को ms × dt2 लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हम लिख सकते हैं dq/dt इज इक्वल टू ms dt2/dt लिख सकते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन 1 लिखी थी, दैट इज -dq/dt इज इक्वल टू k × T2 - T1, इसमें से dq/dt की वैल्यू रख दें तो हमें मिलेगा dt2/dt इज इक्वल टू -k/ms × t2 - t1। k/ms एक कांस्टेंट है, इसे कैपिटल K लिख देते हैं एंड इक्वेशन dt2/t2 - t1 इज इक्वल टू -kdt को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है t2 = t1 + c e^(-kt). यहां पर
सी एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है एंड के की वैल्यू है डैट इज कैपिटल के की वैल्यू है के अपॉन एम एस. इस इक्वेशन से हम एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर के थ्रू किसी भी बॉडी का टाइम ऑफ कूलिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम एक और एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को वेरीफाई करते हैं. एक कॉपर कैलोरी मीटर में हॉट वाटर रखते हैं एंड इस कैलोरी मीटर को एक डबल वॉल्ड वेसल के अंदर रख देते हैं. इस डबल वॉल्ड वेसल में भी वाटर है एंड यह सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज कर सकता है, इसलिए इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल होगा. यहां पर हम सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं एंड कैलोरी मीटर के अंदर जो हॉट वाटर है उसे कूल होने देते हैं. नाउ आफ्टर एवरी मिनट T2 मेजर करते हैं एंड ln ऑफ T2 माइनस T1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. अब इस टेबल की हेल्प से ln ऑफ T2 माइनस T1 वर्सेस टाइम के ग्राफ को प्लॉट करते हैं. यह ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसकी स्लोप नेगेटिव है. इस लाइन की इक्वेशन y = mx + c से कंपेयर करके हम लिख सकते हैं ln ऑफ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस kt + c. इसे फर्दर सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 प्लस CE^-kT. यह न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन ही है. तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक की समरी. इस टॉपिक में हमने सबसे पहले पढ़ा 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा. फिर हमने रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बार ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए पढ़ा कि कैसे उसमें हीट फ्लो निकाल सकते हैं. नेक्स्ट हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में पढ़ा, लैम्डा m × T इज इक्वल टू बी. फिर हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा, दैट इज हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम. एंड लास्ट में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में पढ़ा. अब आपको अपनी NCERT एंड अवंती वर्कबुक के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है.